हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सैंडविचेस और मैं आपको चार टाइप की सैंडविचेस बना के दिखाऊंगी जो बहुत ही इजी है और बहुत कम टाइम में बन जाती है और घर में सबको अच्छी लगेगी। जिसको टोस्ट पसंद है वो टोस्ट खा सकते हैं और जिनको नॉर्मल पसंद है बिना टोस्ट की हुई वो भी खा सकते हैं। आप बाहर खाने जाते हो तो आप मैदे की जो ब्रेड है उसमें खाते हो, गेहूँ की ब्रेड भी मिलती है और हमारे घर पर ज़्यादा गेहूँ की ब्रेड खाई जाती है। तो हम व्हीट ब्रेड में सैंडविचेस बनाएंगे आज। और सैंडविचेस बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो अनियंस की स्लाइसेस बना के रखी हुई हैं, जो बॉईल किए हुए पोटैटोज़ हैं उनकी स्लाइस बना के रखी हुई हैं, टोमेटोज़ की स्लाइस बना के रखी हुई हैं। हम वेजिटेबल भी बनाएंगे, हम आलू मटर भी बनाएंगे, हम क्लब सैंडविच भी बनाएंगे, हम टोस्ट भी बनाएंगे और हम बिना टोस्ट की हुई भी बनाएंगे। तो मैं सारे ही सबके इंग्रेडिएंट्स आपको एक साथ बता देती हूँ। मैंने पहले ग्रीन चटनी का वीडियो आप मेरे चैनल पे डाला हुआ है, आप वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ग्रीन चटनी चाहिए जो ऑलरेडी बनी हुई है, ब्राउन ब्रेड चाहिए, आप मैदे के ब्रेड भी यूज़ कर सकते हो, आपकी चॉइस है आपको जो भी ब्रेड चाहिए वो। फिर हमें चाहिए राय जो हम आलू मटर मसाले में डालेंगे। फिर हमें चाहिए छोटी छोटी चिलीज कटी हुई, मिर्ची कटी हुई, हमें थोड़ा धनिया चाहिए कटा हुआ जो हम आलू मटर के मसाले में डालेंगे। तो सबसे पहले हम वेज सैंडविच कैसे बनाएंगे, तो वेज सैंडविच में सबसे पहले जो ब्रेड है उसको हम, ब्रेड की स्लाइस है उसके साइड में जो मोटी मोटी स्लाइस रहती हैं वो हम सीजर से काट देंगे। ब्रेड की जो स्लाइसेस हैं वो आप अगर सीजर से काटोगे तो वो इवन फॉर्म में कटेगी और सारी एक जैसी साइज में ही कटेगी और दिखने में बहुत अच्छी लगेगी। वेजिटेबल सैंडविच बनाएंगे, उसमें हम स्लाइस लेंगे, स्लाइस के ऊपर हम एक साइड ग्रीन चटनी लगाएंगे, फिर हम टोमेटो की स्लाइस, पोटैटो की स्लाइस, अनियन की स्लाइस सब उसके ऊपर रख देंगे। उसके बाद हम उसे दूसरे ब्रेड के स्लाइस के साथ ढक देंगे। अब दूसरी जो सैंडविच है जो हमें आलू मटर बनानी है, तो आलू मटर का जो ये आलू मटर मसाला है वो कैसे बनेगा, तो जो बॉईल किए हुए हैं पोटैटोज है उसे हम स्मैश कर देंगे या तो हाथ से या तो कोई चम्मच वगैरह से, और उसके अंदर हम डालेंगे ग्रीन चटनी, नमक डालेंगे, हम तेल लेंगे, तेल को गर्म करेंगे, उसमें राई डालेंगे और वो जो फूटी हुई राय है वो हम ये मसाले के अंदर डालेंगे जिससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। बड़ी बड़ी चिलीज कटी हुई डालेंगे, धनिया कटा हुआ डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और इस मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये बन गया हमारा आलू मटर मसाला। अब हम क्या करेंगे, एक ब्रेड लेंगे उसके ऊपर हम ग्रीन चटनी लगाएंगे, उसके अंदर उसके ऊपर हम आलू मटर मसाला लगाएंगे, ब्रेड की स्लाइस उसके ऊपर ढक देंगे, चाहे तो दूसरी स्लाइस पे भी आप ग्रीन चटनी लगा सकते हैं। इसको हम चार पीसेज में, दो पीसेज में जैसे भी चाहे वैसे काट सकते हैं। पहले इसे टोस्ट कर लीजिए, बिना टोस्ट की हुई खानी है तो बिना टोस्ट किए हुए आप इसे या तो दो टुकड़ों में, या तो चार टुकड़ों में, या तो छह टुकड़ों में काट सकते हैं। ऊपर से आप सॉस डाल सकते हैं, उसके ऊपर आप जो बाज़ार से रेडी सेव मिलती हैं वो डालें, बहुत ही बढ़िया टेस्ट लगेगा इसका। बिना टोस्ट किए हुए भी ये सैंडविच सभी को घर में बहुत ही पसंद आएगी। अब क्लब सैंडविच बनाएंगे। क्लब सैंडविच में सबसे पहले हम ब्रेड का स्लाइस लेंगे, उसके ऊपर हम ग्रीन चटनी लगाएंगे, उसके ऊपर हम वेजिटेबल्स लगाएंगे। दूसरी जो स्लाइस है उस पर ग्रीन चटनी लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। उसके ऊपर हम आलू मटर मसाला लगाएंगे, दोनों को मिला लेंगे और हम उसे टोस्ट करके भी खा सकते हैं, बिना टोस्ट किए हुए भी खा सकते हैं। जब आप इसे टोस्ट करने रखेंगे तो आप ऊपर से तेल लगा सकते हैं, घी लगा सकते हैं, बटर लगा सकते हैं। मैंने बटर लगाया है, टेस्ट में बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसे ग्रीन चटनी के साथ, सॉस के साथ और दूसरा कोई भी मीडियम जो आपको पसंद आता है टेस्ट में, शेजवान सॉस या कोई भी, उसके साथ आप खा सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बिना टोस्ट की हुई, टोस्ट की हुई, वेजिटेबल, आलू मटर सारी ही सैंडविच बनाने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।